हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इस पीएमटी फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे आज। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रेट लिख रखा है और रेट 12.5% है, प्रेजेंट वैल्यू है और नंबर ऑफ पीरियड 1.5 साल है। तो यहाँ पे इस पीएमटी लगाते हैं, तो ये लगाया मैंने इस पीएमटी कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पे रेट को सेलेक्ट करना है, तो ये रेट को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, इसके बाद हमें करना है पर, यानी कि पहले मंथ में जो आएगा कुल, तो वो ब्याज का अमाउंट, वो पहले मंथ की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर आ रहा है एनपीआर यानी नंबर ऑफ पीरियड, तो ये 1.5 साल है, तो इसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर कॉमा देंगे हम, और कॉमा देने के बाद हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को सेलेक्ट करना है। बस ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, आपका ये लोन अमाउंट आ जाएगा। तो ये यहाँ पर माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि इसे हमें चुकाना है, दैट्स वाई ये माइनस में आ रहा है। तो